सो हे देयर बॉयज एंड गर्ल्स, तो आपका स्वागत है पोकेमोन एडवेंचर्स रेड के ब्रांड न्यू एपिसोड में। यस, ये एक्सपांशन पास का नया एपिसोड है। तो पिछली बार आपने सोचा होगी कि मेरे सारे पोकेमोन 200 तक कैसे चले गए थे। वेल, उसका आंसर आपको इस वीडियो में मालूम पड़ जाएगा। वेल, हुआ क्या था कि मैंने जब वो वाले वीडियो को एडिट किया था, उस वाले वीडियो में कुछ अलग ही होने वाला था, पर मैंने आधे वीडियो फाइल्स गलती से डिलीट कर दिए और मुझे पता भी नहीं था कि मैंने उस वीडियो को एक्सपोर्ट किया था। वेल, तो ये वाला वीडियो उसी वीडियो का पार्ट है, बस मैंने इसको अलग करके कुछ जुगाड़ करके अलग से बनाया है। तो इस वाले वीडियो में आपको मालूम पड़ेगा कि मेरे पोकेमोन 200 लेवल तक कैसे गए थे। वेल, तो अब हमें जाना है टैंगरीन आइलैंड, जिस पर मैं नहीं गया था। यहाँ पर एक बोनस चैप्टर मतलब कि एक पोकेमोन मिलने वाला है, जो कि है जाइंट हॉन्टर, जो कि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर ने बताया था कमेंट बॉक्स में। थैंक यू गाइस, मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ और उनको हार्ट भी देता हूँ। वेल, तो चलो चलते हैं टैंजरीन आइलैंड, क्योंकि मुझे आज उसका बोनस चैप्टर कम्प्लीट करना है। फिर हम उस घोस्ट के बारे में पूछेंगे, मतलब कि यहाँ पर हमें रात में आना है, फिर हमें घोस्ट मिलेगा और फिर हम उस जाइंट हॉन्टर को पकड़ेंगे। वेल, तो चलो चलते हैं गाइस टैंजरीन आइलैंड पर। वेल, तो ये ऐसा बोनस चैप्टर है जिसको समझने के लिए आपको एक बोनस चैप्टर देखना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली वो वाला बोनस चैप्टर मेरे गेम में शुरू नहीं हो पा रहा है, तो उसका लिंक मैंने दिया है मेरे डिस्क्रिप्शन में। वेल, वो मैंने हीरो वोल्टसी का लिंक दिया है मेरे डिस्क्रिप्शन में, आप उसको देख सकते हो और समझ सकते हो कि ये वाला बोनस चैप्टर किसके साथ रिलेटेड है। तो यहाँ पर वॉक थ्रू वॉच भी नहीं किया है, फिर भी ग्लिच के कारण मैं इधर उधर जा सकता हूँ। वेल, नीचे भी नहीं जा सकते, इधर उधर कहीं भी नहीं जा सकते। वेल, तो चलो चलते हैं सामने। तो यहाँ पर तो दो ब्लैक सूट में लोग हैं, मतलब कि लोग हैं, तो चलो उनके पास जाते हैं और पूछते हैं कि वो हमें कौन सा मेगास्टोन देने वाले हैं। वेल, तो देखते हैं कि ये वाला आदमी हमें कौन सा मेगास्टोन देगा। वेल, ये तो हमें पिकाचू नाइट एक्स दे रहा है। पिकाचू नाइट एक्स, मतलब कि पिकाचू भी मेगा इवॉल्व कर सकता है। मैंने ये नहीं सोचा था। वेल, तो दे देते हैं पिकाचू नाइट एक्स अपने पिकाचू को। वेल, पिकाचू ये लो तुम्हारा पिकाचू नाइट एक्स। तो मैंने दे दिया है अपने पिकाचू को पिकाचू नाइट एक्स। तो चलो अब चलते हैं सामने। वहाँ पर और एक आदमी था शायद से, मुझे दिखा था, तो मैं पिका को अपने सामने रख देता हूँ, मतलब कि सबसे सामने रख देता हूँ। और चलो अब बैटल करते हैं और देखते हैं कि उसका मेगा फॉर्म कैसा है। तो जल्दी से चलते हैं। इधर कौन है गाइस? ओ, ये तो मक मास्टर है, इसके साथ हम बाद में फाइट करेंगे। वेल, मेरे पास मक नहीं है तो हम इसके साथ फाइट नहीं कर सकते। वेल, तो मुझे बैटल नहीं करना है तुम्हारे साथ, तो चलो जल्दी से चलते हैं उस तरफ। मुझे लगता है कि यस, यहाँ पर एक पॉकीबॉल है। इसमें क्या है? इसमें है पीपी मैक्स, तो चलो इसको ले लेते हैं। और सामने एक आदमी है और गाइस, ये हमें दे रहा है पिकाचू नाइट वाई। वेल, हमें मिल चुका है एक पिकाचू नाइट एक्स और पिकाचू नाइट वाई। और हर बार एक पिकाचू नाइट एक्स अगर होगा तो वो स्पीड फॉर्म होगा और एक पावर फॉर्म होगा, जैसे कि म्यूटू के साथ होता है, क्योंकि म्यूटू के पास भी दो मेगा इवोल्यूशंस है, एक एक्स और एक वाई। तो मैंने सारे ऑफिसर्स को हरा दिया है, तो चलो चलते हैं इनके हेड ऑफिस में और बात करते हैं किजी से। यस गाइस, ये किजी का बोनस चैप्टर है। आपने तो पोकेमोन एसोसिएशन के बारे में जाना ही होगा मेरे ऑरेंज आइलैंड्स के सफ़र के दौरान। तो अब हमें बात करना है मेन ऑफिसर से, शायद से मेन ऑफिसर ये है। हेलो रेड, वी आर थैंकफुल दैट यू आर टेकिंग टाइम आउट ऑफ योर बिजी शेड्यूल टू टेस्टिफाई ऑन किजी एंड द पोकेमोन एसोसिएशन। We still have time before the trial starts. Why don't you come back later? Well, तो चलो नीचे चलते हैं guys. तो यहाँ पर भी एक ऑफिसर है, तो हमने इसको भी हरा दिया है, तो चलो चलते हैं नीचे। और ये रही किजी, तो चलो इससे बात करते हैं। किजी, save it, kid. I know you are here to testify on me. I am not going to beg you to give a testimony in favor of my defense. I deserve to be punished. I have nothing to say to you. Go away. Well, साइड में तो टेस्ला भी है, तो उसके साथ भी बात करेंगे, पर फिलहाल मुझे इस तरफ देखना है कि कुछ पॉकीबॉल वगैरह मिलते हैं या नहीं। यहाँ पर बहुत सारे मुजरिम हैं। वेल, वो साइको भी हो सकते हैं। I bet looking at me well and alive makes you mad. I just wish you were there to watch your friend Pink as she got torn apart by the cyborg Ariados. I also wish you were there as your mother slowly died from the Ariados venom. You want me dead, don't you? Life just isn't fair, you know. They die while I get to live. I won. You have won, if you consider this living. The way I see it,
You are stuck here forever. No freedom, no love, no care, no joy. You will never leave this place. You will die in this place and no one will ever remember or know you existed. Kill me! I know you hate me. Kill me! Enjoy your eternal solitude, Tesla. Kill me! Kill me! तो इससे पहले के किजी के बोनस चैप्टर में हमें पता चला था कि वो भी मतलब कि इविल नहीं है, उतनी भी इविल नहीं है, उसके अंदर गुड पर्सन मतलब कि गुड पर्सनालिटी अभी भी बाकी है, वो हमें पता चला था ऑरेंज आइलैंड्स के एक बोनस चैप्टर में। वेल उस बोनस चैप्टर को मैं अनफॉर्चुनेटली खेल नहीं पाया था। आर यू रेडी रेड? हाँ बिल्कुल, फॉलो मी। तो हम पहुँच चुके हैं अंदर, तो चलो चलते हैं सामने गाइस। द डिफेंडेंट इज गिल्टी ऑफ किजिंग हिज वर्क ऑन द हैक Pokemon Adventure Red Chapter. No! It's time for the next case. Bring in the defendant. That's the Mykon Island gym leader. You are a disgrace. Rot in hell, witch. Order, let the trial begin. Is it true that you were aware of the connections between Pokemon Association and Team Rocket? Yes. Objection. It's obvious the defendant is being mind controlled by a hypno. Overruled. Is it also true that you were a key member of Team Rocket? Yes. Objection. The defendant has obviously breathed in too much wild plume gas. She is delirious. Overruled. Is it true that you are responsible for the Pokemon black market during your time as a Team Rocket member? That is correct. Objection. The defendant has obviously eaten a parasite's mushroom. She is hallucinating. Overruled. Bring in the witness Red from Pallet Town. Now Red from Pallet Town, you fought against Kizzy during your journey in Orange Archipelago, correct? Yes. It's also obvious that you don't practice good hygiene at home. This means you are untrustworthy. What? Lias is what? What? You see, Your Honor, he said what? He said what? Objection, Your Honor. This lawyer is a moron. Agreed. Huh? Red from Pallet Town, in your own words, can you please testify whether Kizzy is a good or bad person? She's not a bad person. Excuse me? Gasp. It appears the witness is... She made wrong choices, but who didn't in their life? Kizzy saved my friends and me. She also fought against the Pokemon Association and Team Rocket. If it wasn't for her, I wouldn't be here right now. Okay, order, I have reached a verdict. The defendant is guilty, however. As a result, Kizzy must attend 100 hours of the reform program. In addition to that, she is required to log in 800 hours of community service. Her gym leader status will be revoked with a criminal record under her name. Thank you. I only spoke the truth. Just so you know, I can never forgive you for what you did to Gray and his Pokemon. You mean the kid who stumbled into my cell back in Mykon Island? His Pokemon is still alive. Huh? No talking to the witnesses. Where are you taking her? The reform program is in the Kalos region. We are taking her there. Goodbye, kid. तो चलो guys, अब हमें एक अलग सा bonus chapter खेलना है। तो चलो चलते हैं नीचे, देखते हैं कि क्या होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किजी अब चली गई है कैलॉस रीजन, तो शायद हम इस गेम में कैलॉस रीजन भी जा सकते हैं। तो वेल, मुझे एक जोटो टिकट मिल चुका है, मतलब कि मिलने का है। मैं आपको दिखाता हूँ कि हमें कहाँ से मिलेगा वो जोटो टिकट। वेल, मुझे मिल गया था पिछले ही गेम प्ले में, पर मुझे फिर से एक बार रीसेट करना पड़ा क्योंकि मैंने वीडियो फाइल्स डिलीट कर दिए थे। वेल, तो चलो चलते हैं गाइस और लेते हैं जोटो टिकट वहाँ से। तो अब हमें कैलॉस रीजन कैसे जाना है पता नहीं, पर एक गुड न्यूज़ है, मतलब कि
एक अच्छी न्यूज है कि ग्रे के पोकेमोन अभी भी जिंदा है। यस गाइस, ग्रे के पोकेमोन अभी भी जिंदा है, मतलब कि उसका भी एक बोनस चैप्टर है जो कि हमें कंप्लीट करना होगा। तो उस बोनस चैप्टर को कैसे खेलना है मुझे आप बता देना। तो अब हमें जाना है पमेलो आइलैंड और वहां से हमें जाना है नीचे, मतलब कि टोरोको आइलैंड पर। तो चलो चलते हैं गाइस, जल्दी से जल्दी चलते हैं। कहां पर है? यहां पर शायद से टोरोको आइलैंड होना चाहिए था पर नहीं है। तो चलो चलते हैं, हम पहुंच चुके हैं पमेलो आइलैंड। अब हमें यहां से जाना है टोरोको आइलैंड में। तो जल्द से जल्द वहां पर पहुंच जाते हैं गाइस। अब यहां से जाना है हमें, मैंने सारे ट्रेनर्स को हरा दिया है। तो बीच में कोई भी बैटल नहीं होगी, तो यहां से हम सर्व करके जा सकते हैं नेक्स्ट आइलैंड पर जो कि है यहां, और वो शायद से पिजॉट मास्टर था। तो चलो इस तरफ जाते हैं, ऊपर ड्रेक है। यू हैव फाउंड मी, योर रिवार्ड इज बटरफ्लाइट बटरफ्लाइट। यस, ये वाला मेगा स्टोन भी मुझे मिला था, मतलब कि वो मिला था पर मैंने वीडियो फाइल डिलीट कर दी थी इसलिए आपको दिखा नहीं होगा। तो चलो चलते हैं गाइस, टोरोको आइलैंड हम पहुंच चुके हैं जहां पर हमने पकड़ा था जिराची को भी। तो अब हमें यहां से जाना है इस तरफ, और एक बच्चा हमें मिलता है जो कि है ये। ये चाहता है कि हम इसका वाइन यार ठीक करें। उसके लिए इसने हमें दे दिया है जोटो टिकट। अगर हम यहाँ से अंदर जाए तो हमें यहाँ पर मिलेगा वो जोटो टिकट। रुको, वो मैं वीडियो आपको दिखाता हूँ। तो ये होगा आपके साथ इस होटल में। तो ये कुछ बात कर रहे हैं, उसके बाद ये कैरेन हमें एक जोटो टिकट देता है ताकि हम इसके लिए एक सेली भी ला पाए, और वो सेली भी इसका वाइन यार्ड वापस से रिवाइव कर देगा। तो अब हमें ये देगा एक जोटो टिकट जो कि हमें मिल चुके हैं। तो अब हम इस जोटो टिकट से जा सकते हैं जोटो रीजन में। यस गाइस, अब हम जा सकते हैं जोटो रीजन में। तो चलो हम वेट किसका कर रहे हैं, जल्द से जल्द पहुँचते हैं जोटो रीजन में। तो जोटो रीजन में जाने के लिए हमें क्या करना है, हमें अब जाना है पहले पमेलो आइलैंड में। तो लेट्स गो गाइस, पमेलो आइलैंड पर चलते हैं। जल्द से जल्द चलते हैं यार, टॉप स्पीड में चलो। मैं भाग तो रहा हूँ पर मैं जल्द से जल्द वहाँ पर पहुँच नहीं रहा। तो चलो जल्दी से चलते हैं, टॉप स्पीड गियर। यस, ये तो कुछ ज़्यादा ही स्पीड हो गई थी। तो हम पहुँच चुके हैं पमेलो आइलैंड पर। अब हमें यहाँ से जाना है वैलेंसिया आइलैंड पर। तो कहाँ गई यार शिवा, शिवा प्यारी हमारी कहाँ पर गई? वो हमें टेलीपोर्ट कर सकती है? जैसे कि मैंने सोचा था, मेरे पोकेमॉन बिल्कुल भी हील नहीं है। तो मैं पहले पोकेमॉन को हील कर लेता हूँ, फिर हम जाएंगे वैलेंसिया आइलैंड पर। तो लेट्स गो, हील कर लेते हैं अपने पोकेमॉन को, और हमारे पोकेमॉन हील हो चुके हैं। तो जो भाई साहब कॉर्नर में है ना, जो कि ब्लैक कोट में है, उन्होंने ही हमें एक मेगा स्टोन दिया था जो कि है विनोसोराइट वाई, और इसने ही हमें की स्टोन भी दिया था। अब ये बेच रहा है विनोसोराइट वाई। तो चलो चलते हैं गाइस। तो ये रही शिवा, अब हमें टेलीपोर्ट करना है खुद को वैलेंसिया आइलैंड पर। अब हमें जाना है ब्लिंप पर। तो लेट्स गो, ब्लिंप में जाते हैं और कैप्टन से पूछते हैं कि अब हम कहाँ पर जा सकते हैं। तो अब हम जा सकते हैं जोटो रीजन में। तो लेट्स गो गाइस। तो ये रहे कैप्टन, और हमारा जोटो अनलॉक हो चुका है। तो चलो जल्दी से चलते हैं जोटो रीजन। हम होयन रीजन भी जा सकते हैं अगर हम वू डॉल का बोनस चैप्टर कंप्लीट करेंगे। उसको तो हम बाद में कंप्लीट करेंगे, पहले हम ग्रे का बोनस चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो जल्द से जल्द बाहर निकलते हैं गाइज। हम पहुंच चुके हैं एलिक्स फॉरेस्ट में शायद से। यस, हम जोटो रीजन के एलिक्स फॉरेस्ट में पहुंच चुके हैं। सो दिस इज द एलिक्स फॉरेस्ट। वो ये कौन है? ओह सॉरी, नो नो इट्स ओके, यू लुक फेमिलियर। वेयर हैव आई सीन यू बिफोर? आई एम रेड फ्रॉम पैलेट टाउन। यू मे हैव सीन मी ऑन टीवी। दैट्स राइट, रेड फ्रॉम पैलेट टाउन। आई रिमेंबर नाउ, आई डिड सी यू ऑन टीवी। यू आर अ फ्रेंड ऑफ हर्स, aren't यू? हर? इट doesn't मैटर, माई नेम इज प्राइस। नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू टू। वाई आर यू आउट हियर प्राइस? I'm looking for something I lost a long time ago. Oh, maybe I can help. Thank you, young man, but I should head back home. Well, ये तो चले गए हैं। Well, वो थे जिम लीडर प्राइस, मतलब कि जोटो रीजन के जिम लीडर। शॉर्ट में बताऊँ तो वो जिम लीडर थे और एनिमे में भी हमें दिखाए गए थे। Wait, what Celebi? What is Celebi? It is an onion. नहीं, वो onion नहीं है bro. तो चलो चलते हैं ऊपर, और वहाँ पर एक पॉकीबॉल है, उसे हम बाद में ले लेंगे। पर इधर चलते हैं और देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। तो चलो इधर से चलते हैं, और ये तो एक ट्रेनर है गाइस। आई हर्ड यू आर लुकिंग फॉर सेलेबी। आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉर इट।
That makes us rival. Well, ये कौन है गाइस, देखते हैं. Well, ये रेड है. इसका नाम तो केनी दिखाया था. Wait. शायद से ये ग्लिच है. No, please no. क्योंकि मेरे पोकेमोन सिर्फ लेवल 162 तक है गाइस. क्या हम इसे हरा सकते हैं? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं भरोसा है मुझ पर ही कि हम इसे हरा सकते हैं. वेल तो इसके पास है पिका जो कि मेगा इवॉल्व हो सकता है. पिका चुनाइट एक्स उसके पास है. हमारे पास भी है गाइस, पर मैंने अपने पोकेमोन को बदल लिया है तो शायद हम इसे हरा सकते हैं गाइस. वेल देखते हैं कि क्या हम इसे हरा पाते हैं या नहीं. वेल जैसे कि मैंने सोचा था उसने मुझे हरा दिया है, तो सेकंड टाइम मैं ट्राई कर रहा हूँ. वेल तो देखते हैं कि ये हमें हराता है या हम इससे जीत जाते हैं. वेल तो इसने ऑलरेडी मुझे 5 बार हरा दिया है गाइस. वेल तो देखते हैं कि हम इस बैटल में भी जीत पाते हैं या नहीं. मैंने इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है क्योंकि ये बहुत ही लंबी बैटल होने वाली है गाइस. वेल तो देखते हैं कि इसके पास बहुत सारे पोकेमॉन हैं जो कि है 255 लेवल के. मुझे पता है कि ये ग्लिच ही है क्योंकि उसका नाम केनी है. वेल इसका डिज़ाइन भी कुछ अलग था. इसने मुझे 10 बार हराया गाइस. 10 बार, सोचो आप, 10 बार मैंने इससे बैटल की सिर्फ 165 लेवल के, और मैंने 20 मैक्स रिवाइव्स यूज़ किए और 11 फुल रेस्टोर यूज़ किए और बहुत सारे सुपर पोशन और हाइपर पोशन यूज़ किए, फिर भी मैं इसे नहीं हरा पाया. तो शायद मुझे और ट्रेनिंग करनी पड़ेगी. वेल इस बार शायद हम इसे हरा पा सकते हैं. नहीं, हम नहीं हरा सकते. लेट्स गो डायनाबाइट. तो देखते हैं कि डायनाबाइट इसे हरा पाता है या नहीं. वेल ये भी नहीं हरा सकता. लेट्स गो एरोडैक्टाइल. तो चलो यूज़ करते हैं मैक्स रिवाइव अपने पॉलीब्रैथ पर. वेल तो पॉलीब्रैथ ही इसे हरा सकता है. तो लेट्स यूज़ विंग अटैक नाउ. पर सोलार बीम नहीं तो हमारी बैंड बच जाती है. लेट्स गो पॉलीब्रैथ. ये बहुत ही बुरा है गाइस. वेल अगर हम इसे नहीं हरा पाए तो हम सिलीबी को भी नहीं पकड़ पाएंगे. वेल ये तो अर्थ पावर पर अर्थ पावर कर रहा है और हमारी बैंड बजा रहा है. वेल हम हार चुके हैं गाइस, हम हार चुके हैं. शायद मुझे कुछ तगड़ी ट्रेनिंग करनी चाहिए. इंटेंस ट्रेनिंग करूंगा मैं. वेल गाइस सॉरी, मैंने चीट्स यूज़ किए. मैं क्या करता गाइस, इसके पास 255 लेवल के पोकेमॉन है. 255 पिछली बार मैंने बहुत ही मुश्किल से 180 तक ले गया था मैं अपने पोकेमॉन रेड को हराने के लिए, और इस बार ये 255 लेवल के पोकेमॉन लाया है गाइस. देखो अगर मैं मेरे पोकेमॉन को लेवल अप नहीं करता ना गाइस तो मैं हार जाता. ऑलरेडी इसने मुझे 5 बार हराया है इस बैटल में. यस गाइस, मैंने लेवल अप किया फिर भी इसने मुझे 5 बार हराया. वेल ये लास्ट बैटल है जिसमें मैं जीत चुका हूँ. तो एंजॉय दिस बैटल गाइस, एंजॉय इट. वेल तो अब नेक्स्ट पोकेमॉन इसका आ रहा है ब्लास्टोइज. तो चलो हम इस पर यूज़ करेंगे. क्या यूज़ करें यार, इस पर हम यूज़ करेंगे अपना एनर्जी बॉल और क्या. वेल तो चलो हमने एनर्जी बॉल यूज़ किया, फिर भी कुछ भी असर नहीं हुआ ब्लास्टोइज पर. देखो यार इतने पोकेमॉन बहुत ही ताकतवर है, और एक पोकेमॉन मतलब कि ईवी का इवॉल्व फॉर्म जो कि है ओमियन, जो शायद मेरी ऑब्जर्वेशन के साथ मैं बता रहा हूँ कि वो शायद से साइकिक टाइप पोकेमॉन है. यस गाइस मुझे लगता है साइकिक और घोस्ट टाइप, क्योंकि मैं क्या करूँ, उसके पास ओमियन था जिसके पास नेक्रोमेंसी अटैक है. नेक्रोमेंसी अटैक एक ऐसा अटैक है जो कि वन हिट को करता है. यस गाइस मतलब कि अगर वो उस अटैक को यूज़ करेगा तो वो एक ही अटैक में फुल एचपी गायब कर सकता है मेरे एक पोकेमॉन की. और उसके पास 8 पीपी थे, मतलब कि एक पोकेमॉन के वन हिट को वाले अटैक सिर्फ वो 5 बार कर सकता है मैक्सिमम, और उसके पास 8 बार करने की शक्ति थी. अब आप ही सोचो अगर मैं अपने पोकेमॉन लेवल अप नहीं करता तो ये बोनस चैप्टर कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाता. वेल इसको हराने में मुझे बहुत ही तकलीफ हुई. वेल इसको मैं स्किप कर दूंगा, डायरेक्टली हरा दूंगा. वेल ये देखो इसके पास और तो और वॉन्डर गार्ड भी है. देखो पहले ये एक बहुत ही ताकतवर पोकेमॉन है जो कि 255 लेवल का है. दूसरा ये पैरालाइज होने के बावजूद भी नेक्रोमेंसी कर रहा है, मतलब कि वन हिट को कर रहा है. यस गाइस वन हिट को, और सिर्फ
आइस टाइप ही इसे चोट पहुंचा सकता है, मतलब कि डैमेज कर सकता है। और लकीली मेरे पास पॉलीब्रैथ का आइस बीम अटैक था। यस गाइस, आइस बीम की वजह से मैं बच चुका था, तो हमने उसको हरा दिया है। वेल, तो नेक्स्ट पोकेमॉन है स्नोरलैक्स, तो चलो इसको भी हरा देते हैं अपने क्लोज कॉम्बैट की मदद से। और हमने स्नोरलैक्स को हरा दिया और हम जीत चुके हैं रेड से, यानी कि केनी से। देखो अब केनी लिख के आएगा, केनी, नो वे, आई हैड द अपर। वेल देखो ये केनी है, देयर्स नो वे। तो यहाँ पर एक पॉकीबॉल है जिसमें है फायर स्टोन और नीचे एक ट्रेनर है, मुझे यहाँ पर सेव कर लेना चाहिए। वेल, मैंने अपने पॉकीमॉन को हील कर लिया है। यू आर लुकिंग फॉर सेलेबी, हाउ डू यू नो? मेनी पीपल बिलीव दिस श्राइन रिपेल्स इविल स्पिरिट्स। द ट्रूथ इज द एलिक्स श्राइन इज कंस्ट्रक्टेड बाय माई एंसेस्टर्स टू वर्शिप सेलेबी। आई कैन टेल फ्रॉम यूर आईज दैट यू आर हियर नॉट टू रिपेल इविल स्पिरिट बट टू स्नीक द पावर ऑफ द टाइम ट्रैवलर। टाइम ट्रैवलर? You seek the powers of Celebi, yet you don't know its powers? Well, where are you going? My people erected this shrine to worship the time traveler. We are not here to guard it. Good luck. Who are you, if you don't mind me asking? My name is Yumiko. My 21 daughters and I live in Acrutic City. Pay us a visit one day. Well, this is odd guys. तो चलो श्राइन को चेक करते हैं कि वहाँ पे सेलेबी है या नहीं। Well, तो प्रेस करते हैं ए यहाँ पे। This must be the Elix Shrine. Huh? Ah! Ouch! P? That's a Pichu. Pichu. P? 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 Pichu. Pichu. What? Wait, Pikachu. Well, तो ये हम कहाँ पर पहुँच गए? अर्ग, where am I? Where's Pikachu? Huh? That's blue. We finally got our freedom. I smell something was up. Silver, get behind me. But, I will handle Karen. I have always hated you, Blue. Now that you are defecting, I can hurt you. I don't know how you find our secret base, but we want this base to remain a secret. I, Will of the Masked Children, will make sure this base stays a secret forever. Well, तो देखते हैं कि इसके पास कौन से पॉकेमॉन हैं। मुझे पता नहीं कि यहाँ पर क्या चल रहा है गाइस। मास चाइल्ड वेल, वेल इसके पास है नाटू। वेल, तो नाटू पर हमने यूज़ कर दिया थंडरबोल्ट और ये हार चुका है। और नेक्स्ट पॉकेमॉन है एग्जीक्यूट, तो चलो हम इस पर यूज़ करते हैं स्लैम। और यस, थोड़े सी एचपी बच चुकी है और एक बार स्लैम करने के बाद हमने हरा दिया है इसको। वेल, थर्ड पॉकेमॉन है कर लिया, तो हम इसको हराएंगे स्लैम की मदद से। और हमने हरा दिया है कर लिया को। हाउ डू यू लाइक दैट टस्क? Where did he go? Arg! Karen! Look, I have chased away the salamence. Scary! So scary! Sob! Well, hum kahan par hai? This is my home! Well... Hum kahan par... Well, hum... Hamare ghar par kaise aaye, huh? Who are you, mom? What, mom? But my baby boy is upstairs. Mom, who's that boy? Honey, I am home. Dad. Well, वो तो रेड के पापा थे, guys. Pichu. Pikachu. B. You must be Celebi. Thank you. I need to borrow your power. B. Well, ये तो ब्लू की तरह क्यों दिख रही है? एक और ग्लिच आ चुका है शायद से। Well, इस पिचू को हम पकड़ सकते हैं गाइस।
तो चलो इसको पकड़ लेते हैं, लेट्स गो अल्ट्रा बॉल। तो हमने पकड़ लिया है नॉच पिकाचू को, मतलब कि एक कान उसका कुछ हेयर स्टाइल की तरह है, सुनियो की हेयर स्टाइल। देखो कितना क्यूट है यार ये पिकाचू, मतलब कि पिचू। तो चलो अब चलते हैं वापस उसी आइलैंड पर। तो हम पहुंच चुके हैं टोरोको आइलैंड पर। तो अब हमें क्या करना है कि सेलेबी को हमारे टीम में रख लेना है। तो चलो चलते हैं पोकेमोन सेंटर में गाइस। तो ये वही लड़का है जो कि एक डायमेंशनल रिफ्ट वाला मशीन बनाना चाहता था ताकि वो एक चिकन फार्म ओन कर सके और कैरन को अपना दोस्त बना सके। वेल तो हम पहुंच चुके हैं पोकेमोन सेंटर में, तो मैं सेलेबी को अपने टीम में रख लेता हूँ। लेट्स सी कि सेलेबी हमारे पीसी में आ चुका है या नहीं। तो सेलेबी हमारे कंप्यूटर में ही है, तो सेलेबी को हम रख लेते हैं हमारे टीम में। तो गैराडोस फिलहाल के लिए तुम इस पीसी में रहो। वेल तो चलो अब एंड कर देते हैं, पर मुझे पहले अपने सेलेबी को सामने रखना है शायद से। तो मैं इसको सामने रख देता हूँ और पिकाचू तुम थोड़ी देर के लिए पीछे रहो। तो ये मेरे कंट्रोल्स कभी कभी अटक जाते हैं, कोई बात नहीं। तो पिकाचू को मैंने लास्ट में रख दिया है। तो चलो चलते हैं और बोलते हैं उस बच्चे के साथ। वेल उसका नाम क्या था, मैंने देखा भी नहीं कि उसका नाम क्या था, सीधा बोनस चैप्टर शुरू कर दिया था। टाइम पैसेंजर बोनस चैप्टर ऐसा नाम था इस बोनस चैप्टर का। तो चलो उस बच्चे के पास चलते हैं। तो ये रहा वो बच्चा, बच्चा नहीं आदमी, चलो बोलते हैं इसके साथ। यू फाउंड सेलेबी, ग्रेट, लेट्स रिवाइव द वाइनयार्ड। कम आउट सेलेबी। बी, व्हाट्स ऑल दैट रक? काय, व्हाट्स गोइंग ऑन? The vineyard. We did it. Celebi revived the vineyard. You are incredible, Kai. Well, wait a minute. उसका नाम कैरन था, है ना? क्या वो बच्ची जो कि मास्ट चिल्ड्रन थी, वो कैरन और ये कैरन सेम है? Well, शायद यहाँ पर और एक हिडन बोनस चैप्टर है जिसे हम कंप्लीट करेंगे बाद में, अगले एपिसोड में। तो आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सायोनारा एंड बाय बाय।